एंड बाइक इज़ ऑल सेट्स। इट एग्जैक्टली 6:10 हो चुके हैं। सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया। इफ़ यू बुक ओयो फूड हब, इट्स एग्जैक्टली ऑन हाईवे, दैट इज़ आगरा नासिक हाईवे। इट इज़ अ क्लाउडी वेदर, बारिश आ सकती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना घर पहुँचने का ट्राई करेंगे। एज टुडे इज़ अ लास्ट डे मैन। बाइक इज कोल्ड स्टार्टिंग। I'm super excited as today is the last day of ride and my home is just around 186 km from here. So ये हम आ गए हमारी लाइन में, पीछे गाड़ी नहीं है। अभी भी बहुत अंधेरा है और यहाँ पे ड्यू टू रेन बहुत खड्डे हो चुके हैं, तो सोच समझ के चलाना होगा। बाकी तो भाई इंजॉय तो किया होगा आप लोगों ने हमारे टेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया के व्लॉग्स को। क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ बुरी लगी, बिंदास दीजिए यार कमेंट सेक्शन में। आप ही का चैनल है और ऐसे ही तो हम इम्प्रूव करेंगे हम खुद को। जैसे ही लाइट ख़त्म हो जाती है, वैसे मैंने मोर देन 70% ऑफ इंडिया तो कवर कर लिया है और बाकी का देखते प्लान करेंगे इन फ्यूचर में। बट 2019 वॉज वेरी गुड ईयर फॉर मी। 2019 में ही मैंने मार्च में अपनी टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वाली राइड की और जस्ट एग्जैक्टली 5 महीने के बाद मैंने मेरी टेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया की राइड कंप्लीट की है। कंप्लीट बोले तो अभी तो हुई नहीं है। स्पीड ब्रेकर और खड्डा भी, क्या बात है। तो दोस्तों जैसे आपने देख लिया, जैसे हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया, बारिश चालू हो गई। तो दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप माय गेट 3 इनसाइड एंड आई हैव टू यूज गेट 2। तो दैट्स व्हाई उसके अंदर कुछ वॉइस नहीं, कुछ नहीं, म्यूजिक डाल रहा हूँ या वॉइस ओवर कर दूंगा, नो इशूज। बट सॉरी कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बहुत जोर से बारिश गिर रही है यार। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बारिश बढ़ते जा रही है। हो गया अभी, दैट्स इट, अभी लास्ट के जस्ट 120 बाकी है, कर लेंगे, नो इशूज। तो फ्रेंड नज़ारा देखिए बॉस, क्या ब्यूटीफुल है। एक यहाँ पे ऊपर से आया हुआ है छोटा सा और ये एकदम बड़ा है। सो आई एम करेंटली एट कसारा घाट, 0 विजिबिलिटी। आप लोगों ने तो देख ही लिया, आगे का कुछ नहीं दिख रहा था, फट्टे बॉस। इसीलिए कसारा घाट फेमस है इन मॉनसून मैन। एंड बाइक, लेट मी शो यू द बाइक, शी परफॉर्मिंग रियली वेल यार, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। Thanks buddy, thank you.
फ्रेंड्स ऑफिशियली अपनी राइड इज फिनिश मैन, फिनिश। किलोमीटर क्लॉक अराउंड 3900 समथिंग है, बाद में आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। सॉरी आई कुडंट अगेन डू द मोटो व्लॉग बिकॉज आपने तो देख ही लिया, बहुत बारिश गिर रही थी। सेम गेट टू कैमरा कंटिन्यू किया। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ये टेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया की राइड यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन इन दिस व्लॉग। आप लोगों ने तो देख ही लिया आपकी आज तक की जर्नी। सो फ्रेंड्स यू गाइस मस्ट अवेयर दिस इज़ द लास्ट व्लॉग ऑफ टेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया राइड। इसके बाद अपनी नई राइड चालू होने वाली है। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होगे अपनी राइड स्टार्ट हुई होगी, उस राइड की डिटेल्स मैं अभी इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड करूंगा। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो वॉट इज द नेक्स्ट लोकेशन, यू गाइज मस्ट हैव टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपने इंस्टा का लिंक आपके वीडियो में आते रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहता है, वहाँ पे मुझको फॉलो करो, आप लोगों को पता चलेगा अपनी नेक्स्ट राइड कहाँ पर है। जस्ट एक छोटी हिंट देता हूँ, तो दिस विल बी द नॉट दैट बिग राइड, अपनी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही है। बस इतना हिंट है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस। हाउ वॉज द एक्सपीरियंस विद द बाइक, नॉट दिस बाइक, दिस इज माई जिक्सर, बिकॉज ऑल ऑफ यू गाइज आस्क्ड इन कमेंट सेक्शन दैट वेयर इज जिक्सर। भाई जिक्सर अपनी है, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, आई एम नॉट गोइंग टू सेल, नॉर्मल यूज इट्स फॉर डेली कम्यूट इन सिटी। सो ऑल यू गाइज ऑलवेज आस्क फॉर द एक्सपेंसेस, व्हाट आर द ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द बाइक, व्हाट आर द एक्सपीरियंस विद द रोड्स, द ड्राइवर्स, सब कुछ बता दूंगा। ओवरऑल किलोमीटर अपने क्लॉक हुए 3854 समथिंग लाइक दैट, स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखा दूंगा। पेट्रोल के एक्सपेंसिस इस बार इस राइड में बहुत कम लगा एज कम्पेयर टू माई टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया राइड। सो टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया राइड में अराउंड 13,000 कुछ तो कुछ पेट्रोल एक्सपेंसिस था, बट ऑन दिस राइड द पेट्रोल एक्सपेंस राइड 9,230, यस दैट इज 9,230 ओवरऑल द पेट्रोल एक्सपेंसिस फॉर नॉर्थ इंडिया राइड। बिकॉज आप लोगों को देखे लिया इन गुजरात एंड राजस्थान पेट्रोल एक्सपेंसिस एज कम्पेयर टू मुंबई 9 to 8 रुपीज से कम थे, सो दैट्स वाई पेट्रोल एक्सपेंस आर वेरी लेस। नाउ द होटल एक्सपेंसिस ओवरऑल द स्टे, जो हमारा 13 days का स्टे था होटल का, उसका कॉस्ट हुआ फॉर 2 persons, ना इस वन एम टॉकिंग अबाउट 2 persons 15,500 रुपीज, दिस इज फॉर होटल एक्सपेंस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड, जितना खाना खाया हमने ऑफ 2 persons ऑन 13 days, सो ओवरऑल कॉस्ट मुझे मिला 9,600 समथिंग है, सो उसको मैं 10,000 पकड़ लेता हूँ। सो टोटल जो कॉस्टिंग पड़ी मुझे इस राइड इंक्लूडिंग फ्यूल स्टे फूड एंट्रीज दैट इज कॉस्टेज में अराउंड 35,361 रुपीज़। सो ये है अपनी टोटल अमाउंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोड कंडीशन। आप लोगों ने तो देख ही लिया ओवरऑल द रोड्स इन गुजरात एंड राजस्थान वॉर बटर स्मूथ, बॉस बटर स्मूथ सीमेंट रोड्स थे। बाइक भगाने में बहुत मज़ा आया बिकॉज ड्यूटी पे हम ज़्यादा नहीं भगाए, आप लोगों ने देख लिया। बट बैड रोड स्टार्ट हो गए इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो यार थोड़ा ला अपन को, आप लोगों ने देख लिया अपनी क्या हालत हो गई थी इस ब्लॉग में, कैसे अंदर की रोड्स में जाके भी अंदर वाले रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, ओवरऑल लग गई थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रोड्स थोड़े एवरेज कंडीशन में थे। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू गो टू ग्वालियर झांसी आगरा थ्रू दैट मध्य प्रदेश रोड विच आई टू कन दैट इज़ द ग्वालियर बाईपास, गाइज प्लीज़ ऑलवेज बी रेडी टू कीप वन डे एज एडवांस, बिकॉज आप लोगों ने देख लिया अपनी हालत क्या हो गई थी उस ब्लॉग में, कैसे रॉन्ग साइड से जाके अपने को क्रॉस करना पड़ा अराउंड मोर देन 13 to 14 किलोमीटर। सेम हालत मैंने देख ली मुंबई का निखिल की भी हुई थी 2 weeks बिफोर, उसने भी वही रोड लिया था फ्रॉम आगरा टू मुंबई, उसको भी गूगल मैप की हेल्प लेके अंदर की तरफ से जा जाके रोड लेना पड़ा था। आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन इन MP, वहाँ पे कैसे ट्रक वाले वैसे पार्क करके गाड़ियाँ छोड़ जाते हैं, व्हाट आर द अथॉरिटीज डूइंग, बट दिस प्रिकॉशन यू गाइस मस्ट कीप इन माइंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर राइड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइवर्स, द अदर ड्राइवर दैट इज द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ट्रक्स एंड कार ओनर्स। ओवरऑल इतनी तकलीफ नहीं हुई मुझको जितनी केरला और तमिलनाडु में हुई थी मुझे। तो यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स इतने भी बुरे नहीं चलाते, बुरे चलाते हैं बट इतने नहीं एज़ कम्पेयर टू केरला एंड तमिलनाडु। सो यू आर गुड टू गो, यू जस्ट हैव टू टेक योर ओन प्रिकॉशंस वाइल डूइंग ओवरटेकिंग टू ट्रक्स, बिकॉज यहाँ पे मैंने देख ली यहाँ के जो ट्रक्स थे वो बहुत लंबे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ट्रक्स। सो ओवरऑल उतना गैप का एक्सपीरियंस कर लेना सामने वाली गाड़ी में और तभी ओवरटेक की रिस्क ले लेना, दैट्स इट। सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस व्लॉग, आई विल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ ऑल योर सपोर्ट आई वॉज एबल टू कम्प्लीट दिस टेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया राइड विदाउट एनी इश्यूज़।
Thank you guys, keep supporting us. So it's time to close this vlog. If you guys like this video, don't forget to hit that like button. अच्छा लगेगा अपन को यार आपका प्यार देख के. So do hit the like button, subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Because next ride जैसे बता दिया आ रही है, do subscribe to keep updated. So this is Sagar signing off. Always your helmet, ride hard, ride safe. See ya.